नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ दौरे पर रहेंगे। वही आजमगढ़ जो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का गढ़ है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है, उसी आजमगढ़ में आज मुख्यमंत्री मोहन यादव दिन भर रहने वाले हैं। भाजपा की अलग अलग बैठकों को वो संबोधित करने वाले हैं। ये बैठकें लोकसभा चुनाव के लिए रखी गई हैं। इन बैठकों में अलग अलग श्रेणियों के क्लस्टर प्रभारी भी रहेंगे। सभी क्लस्टर प्रभारियों के साथ, लोकसभा चुनाव प्रबंध समिति के पदाधिकारियों के साथ मोहन यादव की मुलाकात होनी है। इस मुलाकात में मोहन यादव लोकसभा चुनाव के लिए क्या रणनीति रहनी चाहिए, उस पर काम करने वाले हैं। जो जानकारी आई है उसके मुताबिक मोहन यादव 3 बैठकों में आज शामिल होने वाले हैं, जिसमें आजमगढ़ के जो जिलाध्यक्ष हैं, जिला प्रभारी हैं, लोकसभा संयोजक हैं, लोकसभा प्रभारी, लोकसभा प्रबंध समिति के पदाधिकारी, सांसद, विधायक, विधानसभा प्रत्याशी, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य, ये सभी लोग मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ इस बैठक में शामिल होंगे। अब आपको बता देते हैं ये दौरा क्यों महत्वपूर्ण जाता है। तो दरअसल ये आपको मालूम ही होगा कि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ है। आखिरी बार 2009 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से भाजपा जीती थी, लेकिन उसके बाद से भाजपा यहाँ जीत नहीं पाई है। 2014 के लोकसभा चुनाव हो या 2019 के लोकसभा चुनाव हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की जो लहर थी उसके बावजूद आजमगढ़ पे भाजपा कब्जा नहीं कर पाई। यहाँ पे समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव जीतती आई है। ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है। यहाँ से मुलायम सिंह यादव भी सांसद रह चुके हैं, अखिलेश यादव भी सांसद रह चुके हैं इसी आजमगढ़ से। अब ऐसे में इसी आजमगढ़ को जानबूझ करके एक तरीके से भाजपा ने अपना लक्ष्य बना लिया है। आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के गढ़ छिंदवाड़ा पे फोकस किया है, तो वहीं अब यूपी में समाजवादी पार्टी के गढ़ यानी आजमगढ़ पे भारतीय जनता पार्टी का ध्यान पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रित हो गया है। न केवल आजमगढ़ बल्कि इसके आसपास की भी कई सीटों पर सपा और एक सीट पर बसपा का कब्जा है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो आजमगढ़ के बहाने भारतीय जनता पार्टी आसपास की लोकसभा सीटों पर भी, खासतौर से ओबीसी और जो यादव वोटर हैं उन पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। अब ये तो आपको मालूम ही होगा, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, भाजपा जीत जाती है लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है, मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। इसके पीछे भाजपा की रणनीति बिल्कुल साफ है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ओबीसी वोटर्स के साथ साथ बिहार और यूपी के जो यादव वोटर हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा के साथ आए। अब तक बिहार में अगर देखा जाए तो यादव वोटर लालू यादव के साथ ज़्यादा रहे हैं और यूपी में अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के साथ यादव वोटर का जुड़ाव रहा है। लेकिन भाजपा इस फॉर्मूले को बदलना चाहती है और इसीलिए मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर पहले बिहार का दौरा उनसे करवाया गया और अब उन्हें उत्तर प्रदेश के दौरे पर भेजा जा रहा है। इस दौरे का मकसद बिल्कुल साफ है। जिन यादव वोटर्स पर भाजपा लंबे समय से अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के बाद कहीं ना कहीं भाजपा को ऐसा लग रहा है कि यादवों के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो भाजपा को लेकर के आ सकता है। इसीलिए पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव को बिहार दौरा दिया गया और उसके बाद अब यूपी का दौरा दिया गया है। उम्मीद भाजपा को यही है कि मोहन यादव के जरिए ही सही लेकिन यूपी और बिहार में यादव वोटर जो है वो भाजपा के साथ आएगा और भाजपा का अब की बार 400 पार का जो लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं पूरा हो पाएगा। भाजपा इसी रणनीति के साथ फिलहाल आगे बढ़ रही है।